दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मुकेश शर्मा है और आज मैं आपके सामने बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नौकरी क्या है। दोस्तों, पैसे दो तरह से कमाए जा सकते हैं, एक होता है नौकरी और एक होता है पाइपलाइन के थ्रू पैसा ही कमाना। नौकरी का मतलब होता है आप और हम कर ही रहे हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि पाइपलाइन क्या है। दोस्तों, पाइपलाइन का फार्मूला आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बता देना चाहता हूं कि आप जब भी काम ना भी करेंगे, नहीं काम करेंगे, तो भी आपका पैसा आता रहेगा। दोस्तों, हम लोग नौकरी करते हैं, क्या होता है नौकरी? नौकरी एक होती है, कमाई का साधन एक होता है, परंतु खर्चे की लंबी लिस्ट है। खर्चे अनेक होते हैं, नौकरी एक और खर्चे अनेक होते हैं, नौकरी एक और खर्चे अनेक। तो मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे देना चाहता हूं। स्कूल, बच्चों का स्कूल का खर्चा, इंश्योरेंस, कार लोग लेते हैं उसकी इंस्टॉलमेंट, घर ले रहे हैं उसकी इंस्टॉलमेंट, घर के सामान, फोन का बिल, बिजली का बिल, एक्स्ट्रा बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो आपकी अकेली इनकम पर डिपेंड है। नौकरी आपको कब कब पैसा देती है? नौकरी आप सोचिए कब कब पैसा देती है, जब जब आप नौकरी पे जा रहे हैं, जब जब आप काम कर रहे हैं। परंतु नौकरी आपको पैसा देती है तभी देगी जब आप वहां पे जा रहे हैं। यदि आप नहीं जा रहे हैं तो नौकरी आपको पैसे नहीं देगी। नौकरी आपको कब पैसा नहीं देती है? जब आप नौकरी नहीं करते। सीधा सा आंसर है, यदि आप बीमार हो जाते हैं तो क्या नौकरी आपको पैसे देगी? मान करके चलो आप खुदा ना खास्ता बीमार हो गए और आप महीने, दो महीने, चार महीने घर पे रहे, बेड रेस्ट रहे, तो क्या आपको नौकरी पैसे देगी? नहीं नहीं दोस्तों, 99% नौकरी आपको पैसे नहीं देगी। 1% हो सकता है कि नौकरी से आपको थोड़ी बहुत इनकम आ जाए, परंतु यदि आप वहीं पे दो चार महीने की छुट्टी ले लें, वेकेशंस पर चले जाएं, तो क्या आपको नौकरी पैसे देगी? नहीं देगी। आप सोचिए, यदि आप रिटायर होते हैं तो क्या आपको नौकरी पैसे देती है? नहीं देती है। दोस्तों, आज के टाइम के अंदर गवर्नमेंट जॉब से भी पेंशन खत्म हो चुकी है। तो जब आप किसी भी कारण से नौकरी छोड़ देते हैं तो दोस्तों आपको नौकरी से पैसा नहीं मिलता है। इसी के अपोजिट यदि मैं बात करूं पाइपलाइंस की, तो पाइपलाइन कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। पाइप क्या होता है? अब सोचिए, पाइप क्या होता है? पाइप मींस उसमें एक सामान हम इधर से डालते हैं और दूसरी साइड निकाल देते हैं, यही पाइप होता है। परंतु पाइपलाइन के अंदर क्या होता है? पाइपलाइन जो मेनली मैं आपको इनकम का फार्मूला बता देना चाहता हूं, वो पाइपलाइन है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें जहां पे आपके खर्चे अनेक हैं तो इनकम भी, आप बहुत सारी जगह से इनकम बना सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही पॉसिबल है। आप अकेले होते हैं, जब आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग होते हैं तो आपको पैसा बहुत सारी जगह से आता है। मतलब उसका ये नहीं है कि आप बहुत सारी जगह से पैसे कमाते हैं, मतलब ये है कि आप किसी ना किसी के थ्रू पैसे कमाते हैं और हर हाल में कमाते हैं। यदि आप बीमार होते हैं तो आपके साथ यदि 5000 लोग हैं तो 5000 दोस्तों बीमार नहीं होते हैं, उनके माध्यम से आपको पैसा आता है। पाइपलाइन आपको कब कब पैसा देता है? जब आप बीमार होते हैं तो भी पैसा देता है, जब आप छुट्टी पे जाते हैं तो भी पैसा देता है, जब आप काम नहीं करते तो भी पैसा देता है। इसलिए पाइपलाइन आपको पैसा देती है, और तब तब जब आप काम नहीं भी करते हैं तो भी आपको पैसा देती है। दोस्तों यस, 100% पैसा मिलता है, 100%, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। परंतु ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको फॉलो करने के बाद ही पैसा मिलता है। और दोस्तों, मैं आपको ये लास्ट में बता देना चाहता हूं कि आप यदि इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल होना चाहते हैं तो अपनी पाइपलाइन जरूर तैयार करें। आप चाहते हैं कि जिंदगी में आप बहुत मोटा पैसे कमाएं तो आप उसे पाइपलाइन को जरूर तैयार करें, और आप अपने और अपने बच्चों के
फ्यूचर को सेव करें, सेव करें, और यही एक माध्यम है ऐसा जो आपकी जिंदगी को सफलता की तरफ ले जाता है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये कभी नहीं कहेगी कि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप सफल नहीं हो सकते, आप 40 साल के हैं तो सफल नहीं हो सकते, आप 50 साल के हैं तो सफल नहीं हो सकते, आप 70 साल के हैं तो सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर वो आदमी सफल हो सकता है जो इसे 3 साल 4 साल 5 साल जबरदस्त तरीके से काम करता है और वो लाइफ टाइम पैसे कमाता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक वो सफलता का पेड़ है, वो सफलता का पेड़ है जहां पे एक टीम मिलकर के काम करती है। एक सेल्समैन जो आपके साथ जुड़ता है वो सेल्समैन नहीं होता के वो नेटवर्कर बनता है और वो अपना नेटवर्क बिल्ड करता है, बिल्ड करता है, जहां पे आइडियाज होते हैं, जहां पे गोल्स होते हैं, और सभी मिलकर के आपके हमारे सभी के गोल्स पूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक टीम मिलकर के काम करते हैं। और आपको भी पता है, छोटा सा उदाहरण, आपने भी किताब पढ़ी, मैंने भी किताब पढ़ी, एक आदमी एक दीवार को 10 दिन में बनाता है तो 10 आदमी उस दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? आंसर आता है 1 दिन में। तो दोस्तों, जब टीम मिलकर के 10 दिन के काम को 1 दिन में कर सकती है तो आप सोचिए कि जब एक बहुत बड़ी टीम मिलकर के काम करती है तो वह आपके जिंदगी भर का पैसा 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में कमाकर आपको दे सकती है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ये आपका चैनल है। थैंक यू सो मच।